हेलो मेरे प्यारे प्यारे छात्रों और छात्राओं, कैसे हो आप सब और कैसी चल रही है आप सभी की तैयारी। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी भी बहुत ही शानदार तरीके से कर रहे होंगे। देखो स्टूडेंट, आपकी तैयारी को और भी ज्यादा बेहतरीन बनाने के लिए आज मैं लेकर आया हूं क्लास 12 इंग्लिश का एक बहुत ही शानदार क्लास, क्योंकि आज के इस क्लास में हम पढ़ेंगे क्लास 12 इंग्लिश के टॉप 3 ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स को जो आपके बोर्ड एग्जाम में लगातार पूछे जाते हैं। आप इंग्लिश के 12th के किसी भी टीचर से अगर पूछोगे तो वो ये 3 आर्टिकल आपको जरूर बताएगा कि भैया ये 3 आर्टिकल जरूर पढ़ लेना। कौन कौन से आर्टिकल हैं अभी हम जानेंगे। तीनों आर्टिकल बहुत ही ज्यादा स्पेशल है। तो आप सबका कमेंट था, सर आपने मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल तो बता दिया लेकिन आर्टिकल को लिखना सिखाइए। तो आज मैं आपके लिए 3 आर्टिकल लेकर आया हूं, तीनों आर्टिकल ट्रेंडिंग वाले हैं। तो टॉप 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल आज मैं आपका इंग्लिश में पूरे के पूरे 10 नंबर कंप्लीट करवाने वाला हूं। तो इस क्लास को ध्यान से देखना। देखो 10 नंबर का हमारा आर्टिकल आता है, इन 3 आर्टिकल को बिल्कुल मिस मत करना। देखो स्टूडेंट, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आर्टिकल्स कैसे लिखेंगे, थोड़ा सा इस पर बात करते हैं। देखो आपके बोर्ड एग्जाम में आर्टिकल आपको लगभग 100 से लेकर 150 वर्ड में लिखना होता है, यानी कि 100 to 150 वर्ड्स में आपको आर्टिकल लिखना होता है। दूसरी चीज, आर्टिकल लिखने का सही तरीका क्या है। देखो 2 तरीके से आप आर्टिकल लिख सकते हो। एक तो आप हेडिंग वाइज ऐसे लिखो, मतलब पैराग्राफ वाइज आप ऐसे लिख सकते हो, 2-3 पैराग्राफ्स में या 4 पैराग्राफ्स में आपका आर्टिकल होना चाहिए, मिनिमम 3 पैराग्राफ्स में होना चाहिए, उससे ज्यादा लिखोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। और एक चीज और, आप ऐसे पैराग्राफ वाइज भी लिख सकते हैं जो मैं अभी बताऊंगा, एक आप हेडिंग वाइज भी लिख सकते हैं, जैसे आप हेडिंग डाल डाल के 2-3 पैराग्राफ्स में लिखेंगे वो भी बिल्कुल सही होगा। गलत क्या होगा, देखो आपको कैसे नहीं लिखना है। कुछ स्टूडेंट पूरे पेज में ऐसे डायरेक्टली लिख देते हैं, ना कहीं पेज छोड़ा है, ना कहीं उसने लाइन छोड़ा, ना उसको ऊपर नीचे किया लाइन को, बस सीधे सीधा लिखते चले गए, ये गलत तरीका है, इतना समझ लेना। देखो लिखेंगे कैसे, चलिए इसको जानते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा आर्टिकल है, फर्स्ट वाला, इसका टाइटल है ऑनलाइन क्लासेज। देखो भैया, इस समय ऑनलाइन क्लासेस का दौर है तो इस पर आर्टिकल काफी ज्यादा पूछा जाता है कि ऑनलाइन क्लासेस पर हम आर्टिकल कैसे लिखें, सबसे पहले। और दूसरा आर्टिकल हम पढ़ेंगे हेल्थ इज वेल्थ पर, यानी कि स्वास्थ्य ही धन है। तीसरा हम पढ़ेंगे माई एम इन लाइफ, योर एम इन लाइफ, यानी कि जीवन में आपका लक्ष्य। ये तीनों आर्टिकल बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, तो आज हम तीनों को पढ़ेंगे। वर्ड बाय वर्ड मैं आपको मीनिंग भी बताऊंगा, तो ध्यान से समझना। देखो स्टूडेंट, ऑनलाइन क्लासेज मतलब ऑनलाइन कक्षाएं या ऑनलाइन क्लासेज हम लोग बोलेंगे। देखो इस पर आर्टिकल लिखेंगे कैसे, देखो 2-3 पैराग्राफ्स में हम आर्टिकल लिखेंगे। सबसे फर्स्ट पैराग्राफ क्या होगा, यहां से हमने स्टार्ट किया, खूब अच्छा सा हेडिंग डालना आप, फिर यहां से स्टार्ट कर देना। देखो वीडियो को लाइक करते रहना भैया, क्योंकि क्लासेस बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो लिखते हैं, एजुकेशन शिक्षा इज है द बेसिक, बेसिक बेसिक का मतलब होता है मूल, फाउंडेशन, आधार, ऑफ आवर लाइफ, हमारे जीवन का। तो शिक्षा हमारे जीवन का मूल आधार है। देखो भैया, अगर आप लोग शिक्षित हो, देखो शिक्षा का उद्देश्य सिर्फ नौकरी करना ही नहीं है कि आपको सरकारी जॉब मिल गई भैया आप बहुत बड़े आदमी बन गए। कुछ ऐसे लोग भी हैं ना जो पढ़ लिख कर इतनी बड़ी कंपनी आज उन्होंने बना दी है कि उसके अंदर वो नौकरी पर लोगों को रखते हैं, मतलब वो मालिक बन गए मालिक। तो शिक्षा का उद्देश्य सिर्फ नौकरी करना ही नहीं है, नौकरी मिल जाए अच्छी बात है, ना मिले तो आप टेंशन मत लीजिए, अगर आप शिक्षित है ना कहीं आप सेटल हो ही जाएंगे। तो वही कहा गया है कि एजुकेशन इज द बेसिस बेसिक फाउंडेशन ऑफ आवर लाइफ, शिक्षा हमारे जीवन का मूलभूत आधार है। आगे देखो, एवरी सिटीजन प्रत्येक नागरिक को शुड चाहिए गेट प्राप्त करना ये क्वालिटी एजुकेशन, एक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा। तो प्रत्येक नागरिक को एक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए, या प्रत्येक नागरिक के पास गुणवत्तापूर्ण शिक्षा होनी चाहिए, मतलब हर एक नागरिक को शिक्षित होना चाहिए, यह हमारा मूलभूत अधिकार है। हमें शिक्षित होने से, हमें पढ़ने से कोई रोक नहीं सकता है, यह हमारा अधिकार है, हम इसको लेकर रहेंगे। तो आप पढ़िए, एजुकेटेड बनिए, ठीक है। आगे देखो, इट्स आल्सो, ये है डियर उनका फंडामेंटल मतलब मूलभूत,
ठीक है, या मौलिक जिसको बोलते हैं राइट अधिकार एंड और नीड आवश्यकता, तो ये उनका मौलिक अधिकार और उनकी आवश्यकता भी है। मतलब जो शिक्षा है ना, ये हमारा मौलिक अधिकार है, हम सबको शिक्षित होने का हक है और इसको कोई नहीं रोक सकता, और ये हमारी आवश्यकता भी है। अगर हम शिक्षित रहेंगे भैया तो हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई रहेगा। तो यही चीज है, इट्स आल्सो देयर फंडामेंटल राइट एंड नीड, ये उनका मौलिक अधिकार और आवश्यकता है। ठीक है, आगे देखो, आवश्यकता भी है, आल्सो लगा है भी, ड्यू के कारण टू रिवोल्यूशनरी यानी कि क्रांतिकारी चेंजेस बदलाव के कारण इन द फील्ड यानी कि क्षेत्र में आप एजुकेशन के यानी आफ्टर इंडिपेंडेंस यानी कि स्वतंत्रता के बाद। तो यहां पे कहा जा रहा है कि स्वतंत्रता के बाद शिक्षा के क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव के कारण, देखो रिवोल्यूशनरी का मतलब होता है क्रांतिकारी, चेंजेस का मतलब होता है बदलाव। ठीक है, तो इंडिपेंडेंस आफ्टर इंडिपेंडेंस यानी कि स्वतंत्रता के बाद शिक्षा के क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव के कारण द नेचर, नेचर का मतलब होता है स्वभाव जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है, या स्वरूप बोल सकते हैं, द नेचर स्वरूप ऑफ एजुकेशन शिक्षा का है जो चेंज्ड, वो बदल गया है फ्रॉम ट्रेडिशनल यानी कि पारंपरिक से टू मॉडर्न, मॉडर्न में, यानी कि कहा जा रहा है कि जो शिक्षा का स्वरूप है वो पारंपरिक से आधुनिक में बदल गया है। सीधा सीधा आपसे कहा जा रहा है, ड्यू टू रिवोल्यूशनरी चेंजेस इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन आफ्टर इंडिपेंडेंस यानी कि स्वतंत्रता के बाद शिक्षा के क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव के कारण द नेचर ऑफ एजुकेशन हैज चेंज्ड फ्रॉम ट्रेडिशनल टू मॉडर्न, यानी कि शिक्षा का जो स्वभाव है वो पारंपरिक से आधुनिक में बदल गया है। ठीक है, आगे बढ़े, देखो ध्यान से समझना। एक चीज और, ऑनलाइन क्लासेस पे कुछ स्टूडेंट पहले से ही आर्टिकल तैयार कर रखे होंगे, वो सोचते होंगे सर हमारे बुक में दूसरी तरह से आपने दूसरी तरह से बताया। देखो भैया, अगर आपने तैयार कर रखा है तो जो आपने पढ़ा है वही आप लिखिए, क्योंकि सारी चीजें सेम होती हैं, बस थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होता है, बाकी कुछ नहीं। ठीक है, जो आपको याद है वही लिखो, कोई जरूरी नहीं है नहीं याद है तो इसको याद कर लो। ठीक है, आगे देखो, याद करने की क्या जरूरत, समझ लो बहुत है। एट प्रेजेंट यानी कि वर्तमान में ई एजुकेशन मीन्स मतलब ऑनलाइन एजुकेशन व्हिच जो इज बीकमिंग होता जा रहा है वेरी पॉपुलर, बहुत प्रसिद्ध। तो वर्तमान में जो ई एजुकेशन है यानी कि ऑनलाइन एजुकेशन जो है वो बहुत प्रसिद्ध होता जा रहा है, बहुत फेमस अब वो हो रहा है, क्योंकि अब सब घर बैठे फोन से अपने कंप्यूटर से लैपटॉप से ही क्लासेज ले रहे हैं, तो बहुत ईजी हो गया है पढ़ाई। तो ये आप लोग नोट कीजिए, मैंने स्टेप बाय स्टेप आपको बताया, शायद आपको समझ में आ गया होगा, नहीं आया तो आप दोबारा इसी को थोड़ा बैक करके देख सकते हैं। दूसरा पैराग्राफ हमारा ये वाला है, देखो मैंने पैराग्राफ्स को डिवाइड करके रखा है। देखो यहां से, थ्रू ऑनलाइन एजुकेशन यानी कि ऑनलाइन एजुकेशन के माध्यम से द टीचर्स यानी कि अध्यापक सिटिंग फॉर अवे, वो दूर बैठकर भी आर टीचिंग पढ़ा रहे हैं चिल्ड्रेन बच्चों को, थ्रू द इंटरनेट इंटरनेट के माध्यम से विथ द हेल्प ऑफ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म यानी कि कुछ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से सच एज जैसे कि स्काइप, जूम और यूट्यूब ETC, यानी कि थ्रू ऑनलाइन एजुकेशन के माध्यम से द टीचर सिटिंग फॉर अवे यानी कि दूर बैठकर भी जो अध्यापक हैं आर टीचिंग चिल्ड्रेन, वो बच्चों को पढ़ा रहे हैं थ्रू द इंटरनेट इंटरनेट के माध्यम से विथ द हेल्प ऑफ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म कुछ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से सच एज जैसे कि जूम, यूट्यूब, स्काइप, ये सब कुछ ऐप हैं जिस पर ऑनलाइन क्लास चलती है, यूट्यूब पर चलता है, जूम पर भी चलता है, स्काइप पे भी चलता है। तो वही कहा जा रहा है कि ऑनलाइन एजुकेशन के माध्यम से टीचर दूर बैठकर भी बच्चों को कुछ इंटरनेट कुछ जो है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जैसे यूट्यूब, जूम, स्काइप, इसके माध्यम से इंटरनेट के द्वारा बच्चों को पढ़ा रहे हैं। मतलब टीचर हमारे कहीं अलग बैठे हैं, हम लोग यहाँ पे बैठे हैं और अच्छे से पढ़ रहे हैं, वो जो पढ़ा रहे हैं हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं, ये सब कैसे संभव हुआ, ये सब इंटरनेट के द्वारा फोन या कंप्यूटर लैपटॉप के द्वारा ही संभव हुआ है। आगे देखो चिल्ड्रेन बच्चे कैन सिट, वो बैठ सकते हैं एंड लिसन और सुन सकते हैं इंडिपेंडेंटली यानी कि स्वतंत्रता के साथ टू देयर टीचर अपने अध्यापक को थ्रू ए मोबाइल, एक मोबाइल के माध्यम से, लैपटॉप लैपटॉप के माध्यम से और कंप्यूटर कंप्यूटर के माध्यम से, और बच्चे भी बहुत अच्छे से बैठ सकते हैं और अपने अध्यापक को स्वतंत्रता पूर्वक सुन सकते हैं मोबाइल लैपटॉप और कंप्यूटर के माध्यम से, यानी कि बच्चे भी
बच्चे जो हैं, जो स्टूडेंट हैं, वो भी स्वतंत्रता के साथ अपने टीचर को मोबाइल, लैपटॉप या कंप्यूटर के माध्यम से सुनते हैं बैठकर आसानी से, ठीक है, जैसे आप लोग इस समय पढ़ रहे हो। देखो, ऑनलाइन एजुकेशन, ऑनलाइन शिक्षा प्रोवाइड प्रदान करता है द कन्वीनियंस, कन्वीनियंस का मतलब होता है सुविधा, आप रीडिंग पढ़ने का फ्रॉम होम, घर से। तो ऑनलाइन एजुकेशन जो है वो घर से पढ़ाई करने की सुविधा प्रदान करता है, आप घर बैठे भी बहुत आसानी से पढ़ सकते हो, ठीक है। एंड और इट सेव्स, ये बचाता है बोथ टाइम एंड मनी, यानी कि टाइम और मनी दोनों टुगेदर एक साथ, और ये जो है हमारे समय और हमारे पैसे दोनों को बचाता है। मान लीजिए आप ऑफलाइन कहीं कोचिंग करते हो तो आप वहां जाओगे एक घंटे लगेगा, आओगे एक घंटे लगेगा, ठीक है, मतलब आपका टाइम वेस्ट हुआ। दूसरी चीज, आप सर जी को पैसे भी दोगे गुरु दक्षिणा के रूप में तो आपके पैसे भी गए भैया, और यहाँ आप फोन के द्वारा ना आपको आना ना जाना, आराम से बैठे टाइम भी बच गया दो घंटा, और उसके बाद में आप लोग मैं किसी ऑफलाइन कोचिंग की यहाँ पे बुराई नहीं कर रहा हूँ, सब अच्छे हैं, ऑफलाइन भी पढ़ना चाहिए, और आपका पैसा भी बच गया, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे देखो, देयर आर मैनी, यहाँ पे कई वे तरीके हैं बाई हुई जिनसे टीचर्स, अध्यापक एंड स्टूडेंट, स्टूडेंट कैन शेयर, वो शेयर कर रहे हैं एनी प्रोफाइल, कोई भी फाइल, पीडीएफ पीडीएफ विथ ईच अदर एक दूसरे से, इन ये वेरी इज, बहुत आसान वे तरीके से। तो कई ऐसे तरीके हैं जिनसे टीचर और स्टूडेंट आपस में फाइल और पीडीएफ को भी शेयर करते हैं, जैसे आप व्हाट्सएप चलाते हैं, आप टेलीग्राम चलाते हैं, उससे आप फाइल को शेयर कर सकते हैं, तो ऐसे तरीके अब आ गए हैं। वही कहा गया है, देयर आर मैनी वे बाई विच टीचर्स एंड स्टूडेंट कैन शेयर एनी फाइल पीडीएफ विथ ईच अदर इन वेरी ईज वे, यानी कि बहुत सारे ऐसे तरीके हैं जिनसे अध्यापक और विद्यार्थी दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ही आसान तरीके से फाइल और पीडीएफ को शेयर भी कर सकते हैं। इवन यहां तक कि क्लासेज रिलेटेड से संबंधित टू एनी सब्जेक्ट, किसी भी सब्जेक्ट से, सच एज जैसे कि कुकिंग, खाना बनाना, क्राफ्टिंग से ड्राइंग, कला बनाना, पेंटिंग, पेंट, हिस्ट्री, इतिहास, पॉलिटी, राजनीति, जियोग्राफी, भूगोल, ठीक है, द करंट इश्यू, जो करंट मुद्दे हैं, इटीसी आदि, मतलब आप किसी भी टॉपिक, इवन क्लासेज, किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड क्लासेज, जैसे कि मान लीजिए आप कुकिंग, क्राफ्टिंग, ड्राइंग, पेंटिंग, हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, करंट जो मुद्दे हैं उनसे रिलेटेड भी वीडियोस को आप देख सकते हैं, उनसे रिलेटेड क्लासेज को भी आप देख सकते हैं। ऐसा नहीं सिर्फ पढ़ाई ही आप कर सकते हैं, आप कुछ भी उस पर सीख सकते हैं इंटरनेट के माध्यम से। ऑलमोस्ट लगभग एवरी सब्जेक्ट, हर एक विषय इज नाउ बीइंग गिवन ऑनलाइन, हर एक सब्जेक्ट को ऑनलाइन दिया जा रहा है, तो लगभग हर एक सब्जेक्ट को आपको ऑनलाइन दिया जा रहा है, ठीक है। आगे देखते हैं कुछ है कि नहीं है, शायद हाँ थोड़ा सा और है। देखो, हमने तीन पैराग्राफ्स में ऑलरेडी इसको लिख दिया, एक ये, दूसरा ये, तीसरा ये, ठीक है। अब चौथा देखते हैं, द इम्पोर्टेंस ऑफ ऑनलाइन एजुकेशन, यानी कि ऑनलाइन शिक्षा का महत्व हैज ग्रेटली, वो तेजी से इंक्रीज बढ़ा है इन द कोरोना पीरियड, कोरोना काल में, एंड और लार्ज नंबर ऑफ पीपल, और लोगों की एक बड़ी संख्या आर ऑल्सो गेटिंग, जिसने प्राप्त किया है एजुकेशन, शिक्षा थ्रू ऑनलाइन क्लासेज, ऑनलाइन क्लासेज से। मतलब कहा जा रहा है कि जो शिक्षा का, ऑनलाइन क्लासेज का जो महत्व है वो कोरोना काल में बहुत तेजी से बढ़ा है, जिससे बहुत सारे लोगों ने ऑनलाइन क्लासेज से शिक्षा प्राप्त की है। वही कहा जा रहा है, देखो भैया कोरोना था, अब कोरोना काल में आपको बाहर जाना नहीं था, घूमने टहलने की तो अनुमति थी नहीं, मास्क लगाकर जाना पड़ता था, तो भैया सब स्टूडेंट घर बैठे अच्छे से पढ़ाई करते थे, और ऑनलाइन क्लासेज का जो तेजी है ना वो कोरोना काल में ही देखने को मिला, क्योंकि बाहर जाना नहीं देता था तो घर बैठे वो पढ़ लेते थे, ठीक है। आगे देखो, बट फॉर ऑनलाइन क्लासेज, लेकिन ऑनलाइन क्लासेज के लिए स्टूडेंट विद्यार्थियों के पास मस्ट हैव होना चाहिए ये कंप्यूटर, एक कंप्यूटर और स्मार्टफोन, या फिर स्मार्टफोन एंड ये प्रॉपर इंटरनेट कनेक्शन, और एक प्रॉपर इंटरनेट कनेक्शन। लेकिन ऑनलाइन क्लासेज के लिए विद्यार्थियों के पास या तो फोन हो भैया, या लैपटॉप हो, या कंप्यूटर हो, ठीक है, और ये सब होगा भी, और नेट नहीं होगा तो प्रॉब्लम होगा, और एक प्रॉपर इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए, तभी आप ऑनलाइन क्लासेज ज्वाइन कर सकते हैं। बस इतना सा आपको लिखना था भैया, आपका 10 नंबर कंप्लीट, अगर ये वाला आता है इतना लिख दो, 10 नंबर आपका कंप्लीट, 100 टू 150 वर्ड में लिखना होता है, मैंने चार पैराग्राफ्स में आपको इसको बता दिया, तो ऐसे छोटे छोटे पैराग्राफ्स में आपको लिखना है। इंग्लिश की कॉपी कैसे लिखें वो भी मैंने बताया, आप लोग सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा। इसको मैं हटाने जा रहा हूं, अब हम देखेंगे अपना सेकेंड वाला आर्टिकल, चलो हटाते हैं, दूसरा आर्टिकल देखते हैं। अब देखो स्टूडेंट, हमारा जो दूसरा आर्टिकल है इसका टाइटल है हेल्थ इज वेल्थ, यानी कि स्वास्थ्य ही धन है,
मतलब जो हमारा स्वास्थ्य है वही हमारा धन है, या इस प्रकार से भी होता है और लगा है इंपॉर्टेंस ऑफ गुड हेल्थ यानी कि अच्छे स्वास्थ्य का महत्व। देखो भैया स्वास्थ्य ही धन है। मान लीजिए किसी बच्चे को बुखार हो जाता है या फीवर हो गया और उसके सामने कितने भी अच्छी अच्छी चीज़ें रख दी जाए खाने के लिए, लेकिन कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि जब तक आप स्वस्थ नहीं रहेंगे ना कुछ अच्छा नहीं लगेगा। आपके पास बहुत पैसे हों, आप पैसों के बेड पर डेली सोते हों, लेकिन अगर आपकी तबीयत अच्छी नहीं है तो आपको वो पैसे बेकार लगेंगे, ऐसा लगेगा सब कुछ बेकार है, क्योंकि पैसों से खुशियां खरीदी जा सकती नहीं खरीदी जा सकती है। ठीक है, समझ में आया? तो हेल्थ इज वेल्थ, स्वास्थ्य ही धन है, इस पर आपको आर्टिकल लिखना है। चलो लिखते हैं। देखो द फ्रेज वाक्यांश हेल्थ इज वेल्थ स्वास्थ्य धन है इज ये बेल इज है ये वेल नोन यानी कि एक प्रसिद्ध एडेज कहावत। ठीक है, समझ में आया? तो वाक्यांश हेल्थ इज वेल्थ यानी कि स्वास्थ्य धन है, ये एक प्रसिद्ध कहावत है दैट जो हाईलाइट हाईलाइट का मतलब होता है उजागर करना या प्रकाश डालना या हाईलाइट करना द इंपॉर्टेंस ऑफ यानी कि महत्व ऑफ गुड हेल्थ अच्छे स्वास्थ्य का इन आवर लाइफ हमारे जीवन में। यानी कि हेल्थ इज वेल्थ जो वाक्यांश है ये एक प्रसिद्ध कहावत है जो हमारे जीवन में अच्छे स्वास्थ्य के महत्व को हाईलाइट करती है, उजागर करती है। आगे देखो Indeed, सचमुच हेल्थ स्वास्थ्य इज है द वन ऑफ द मोस्ट वैल्यूएबल यानी कि सबसे मूल्यवान एसेट्स संपत्तियों में से एक जो ए पर्सन एक व्यक्ति कैन पोजेज जो एक व्यक्ति प्राप्त कर सकता है, पोजेज का मतलब प्राप्त करना। तो सचमुच स्वास्थ्य उन मूल्यवान संपत्तियों में से एक है जो एक व्यक्ति प्राप्त कर सकता है। देखो सब व्यक्ति जितने भी व्यक्ति हैं चाहे वो अमीर हो या गरीब हो चाहे मिडिल क्लास का हो सबको अधिकार है, सब चाहे तो अपने हेल्थ को इंप्रूव कर सकते हैं, अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। ठीक है, तो वही कहा गया है कि इंडीड हेल्थ इज वन ऑफ द मोस्ट वैल्यूएबल एसेट्स ये पर्सन कैन पोजेस। सचमुच स्वास्थ्य उन मूल्यवान संपत्तियों में से एक है जो किसी भी व्यक्ति के पास हो सकती है या कोई भी व्यक्ति प्राप्त कर सकता है। आगे देखो इट इनेबल्स ये सक्षम बनाती है अस हमें टू एंजॉय लाइफ यानी कि जीवन का आनंद उठाने एंड और परस्यू प्राप्त करने आवर गोल्स अपने लक्ष्य को विथ एनर्जी ऊर्जा के साथ एंड एंथुसियस्म एंथुसियस्म का मतलब होता है उत्साह के साथ। तो ये है हमें अपने जीवन का आनंद लेने और पूरी ऊर्जा और उत्साह के साथ अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सक्षम बनाती है। अगर आप स्वस्थ हैं तो आप अपने जीवन का आनंद बहुत अच्छे से उठा सकते हैं और अपने काम को ऊर्जा के साथ और उत्साह के साथ अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। वही कहा गया इट इनेबल्स अस टू एंजॉय लाइफ एंड परस्यू आवर गोल्स विथ एनर्जी एंड एंथुसियस्म यानी कि ये हमें जीवन का आनंद लेने पूरी ऊर्जा और उत्साह के साथ अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सक्षम बनाती है। फर्स्ट वाला पैराग्राफ हमारा यहाँ पे हो चुका है, थोड़ा बड़ा भी आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है, इसको नोट कर सकते हैं आप लोग, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वाला देखो। अब दूसरा पैराग्राफ यहां से स्टार्ट होता है, यहां तक है, इसको पढ़ लेते हैं भैया। देखो ध्यान से, देयर आर यहां है मैनी रीजन कई कारण व्हाई कि क्यों हेल्थ स्वास्थ्य इज सो इंपॉर्टेंट इतना महत्वपूर्ण है। तो ऐसे कई कारण है कि आखिर स्वास्थ्य इतना महत्वपूर्ण क्यों है, मतलब कई कारण है कि स्वास्थ्य इतना महत्वपूर्ण क्यों है हमारे लिए। देखो फर्स्टली सबसे पहले गुड हेल्थ अच्छा स्वास्थ्य एलोज सहायता करता है या अनुमति देता है अस हमें टू लिव ये लॉन्गर यानी कि ज्यादा लंबे समय तक जीने के लिए एंड और मोर फुलफिलिंग लाइफ ज्यादा संतुष्टिदायक जीवन जीने के लिए। यानी कि सबसे पहले अच्छा स्वास्थ्य जो है वो हमें ज्यादा लंबे समय तक जीने और ज्यादा संतुष्टिदायक जीवन जीने में मदद करता है, वो अनुमति देता है। ठीक है, आगे देखो बी कैन परस्यू हम प्राप्त कर सकते हैं आवर ड्रीम्स अपने सपनों को एंड एस्पायरेशन अपनी आकांक्षाओं को एंड एंजॉय और आनंद ले सकते हैं द कंपनी संगति का ऑफ लव्ड वंस अपने प्रिय जनों के। यानी कि हम अपने सपनों और आकांक्षाओं को प्राप्त कर सकते हैं अगर हम अच्छे हैं हम स्वस्थ हैं तो एंड और एंजॉय द कंपनी ऑफ लव्ड वंस और अपने प्रिय जन के संगति का भी आनंद उठा सकते हैं। आगे देखो इट आल्सो ये भी हेल्प सहायता करता है अस हमारी टू अवॉइड इलनेस यानी कि बीमारी से बचने के लिए एंड डिजीज रोगों से। तो ये हमें रोगों और बीमारियों से बचने में भी सहायता करता है। अगर आप स्वस्थ हैं तो आपका इम्यून सिस्टम जो है प्रतिरक्षा तंत्र जो है वो भी मजबूत रहेगा और आपके अंदर जो रोगाणु आएंगे उसको प्रतिरक्षा तंत्र
भगा देगा, यानी कि उसको अपने अंदर प्रवेश नहीं करने देगा, तो आप बीमार नहीं पड़ेंगे। तो वही चीज है कि इट ऑल्सो हेल्प अस टू अवॉइड इलनेस एंड डिजीज, ये हमें बीमारी और रोगों से बचाता है, which जो can be हो सकता है both दोनों costly and debilitating, यानी कि महंगा और दुर्बल करने वाला। जो बीमारी होगी ना वो हमारे लिए महंगा भी पड़ सकता है, क्योंकि उसकी दवा करानी पड़ेगी, पैसे लगेंगे, हो सकता है ज्यादा पैसे लग जाएं। एंड debilitating, debilitating का मतलब होता है दुर्बल करने वाला। देखते हो कोई कोई बीमार पड़ जाता है ना तो सूखी लकड़ी की तरह हो जाता है, एकदम पतला सा, तो वो भी हो सकता है भैया। ठीक है, मतलब कहा जा रहा है कि इट ऑल्सो हेल्प अस टू अवॉइड इलनेस एंड डिजीज, ये हमें रोगों और बीमारियों से बचाता है, विच कैन बी बहुत कॉस्टली एंड डेबिलिटेटिंग, जो कि बहुत महंगा और दुर्बल करने वाला हो सकता है। चलो तीसरा वाला देखते हैं भैया। फर्दर मोर, इसके अलावा गुड हेल्थ, अच्छा स्वास्थ्य इज लिंक्ड, जुड़ा हुआ है टू ग्रेटर प्रोडक्टिविटी, अधिक उत्पादकता से एंड सक्सेस, सफलता से। इसके अलावा अच्छा स्वास्थ्य अधिक उत्पादकता और सफलता से भी जुड़ा है। मतलब अगर आप प्रोग्रेस कर रहे हैं, आप विकास कर रहे हैं, अगर आपका अच्छा स्वास्थ्य रहेगा ना आप और ज्यादा विकास करेंगे, क्योंकि आपके अंदर एनर्जी रहेगी। उसी को कहते हैं प्रोडक्टिविटी, उत्पादकता, आप कितना ज्यादा काम कर रहे हैं, कितना ज्यादा कमा रहे हैं। तो फर्दर मोर गुड हेल्थ इज लिंक्ड टू ग्रेटर प्रोडक्टिविटी एंड सक्सेस, इसके अलावा अच्छा स्वास्थ्य जो है वो अधिक उत्पादकता और सफलता से भी जुड़ा हुआ है। व्हेन, जब भी फील, हम अनुभव करते हैं फिजिकली एंड मेंटली, यानी कि शारीरिक और मानसिक रूप से वेल, अच्छा, जब हम शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से अच्छा महसूस करते हैं, वी कैन परफॉर्म, हम प्रदर्शन कर सकते हैं एट आवर बेस्ट, अपने सर्वश्रेष्ठ का, एंड और अचीव आवर गोल्स, और अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं विथ ग्रेटर इज, बहुत आसानी से। तो कहा जा रहा है व्हेन वी फील फिजिकली एंड मेंटली वेल, जब हम खुद को शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से अच्छा महसूस करते हैं, वी कैन परफॉर्म एट आवर बेस्ट, हम अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर सकते हैं, एंड अचीव आवर गोल्स विथ ग्रेटर ईज, और अपने लक्ष्य को बहुत आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। दिस कैन लीड, ये हो सकती है टू कैरियर सक्सेस, यानी कि करियर में सफलता, फाइनेंशियली स्टेबिलिटी, यानी कि वित्तीय स्थिरता, फाइनेंशियल का मतलब होता है वित्तीय, स्टेबिलिटी का मतलब होता है स्थिरता, एंड और एसेंस, एक भावना आप पर्सनल फुलफिलमेंट, यानी कि व्यक्तिगत संतुष्टि की। तो दिस कैन लीड, इससे उत्पन्न हो सकती है करियर में सफलता, वित्तीय स्थिरता और व्यक्तिगत संतुष्टि की एक भावना। अगर आप स्वस्थ हैं तो आपके अंदर क्या, कैरियर की सफलता, आपको कैरियर में सफलता भी मिल सकती है, वित्तीय स्थिरता भी आपकी हो सकती है, और आपको व्यक्तिगत संतुष्टि की भावना भी मिल सकती है। आगे देखो, लास्ट में हम लिखेंगे ये छोटा सा, इन सॉल्ट, यानी कि संक्षेप में, इन सॉल्ट संक्षेप में, हेल्थ इज ट्रूली वेल्थ, स्वास्थ्य ही वास्तव में धन है। तो इन शॉर्ट संक्षेप में, स्वास्थ्य ही वास्तव में धन है। बाय इन्वेस्टिंग, निवेश करके इन आवर फिजिकल, अपने शारीरिक एंड मेंटल, मानसिक वेल बीइंग, भलाई में, बी कैन, हाँ मतलब संक्षेप में, स्वास्थ्य ही वास्तव में धन है। बाय इन्वेस्टिंग इन आवर फिजिकल एंड मेंटल वेल बीइंग, यानी कि अपने शारीरिक और मानसिक भलाई में निवेश करके, बी कैन लिव ए हैप्पियर, हम खुशहाली के साथ जी सकते हैं, मोर प्रोडक्टिव, अधिक उत्पादकता के साथ रह सकते हैं, एंड मोर फुलफिलमेंट लाइफ, और अधिक संतुष्टिदायक जीवन जी सकते हैं। यानी कि अपने, क्या कहा जा रहा है, बाय इन्वेस्टिंग इन आवर फिजिकल एंड मेंटल वेलबींग, मतलब अपने शारीरिक और मानसिक भलाई में निवेश करके, वी कैन लिव ए हैप्पियर, मोर प्रोडक्टिव एंड मोर फुलफिलमेंट लाइफ, हम एक खुशहाल, ज्यादा उत्पादकता वाला और संतुष्टिदायक जीवन जी सकते हैं। ठीक, बस हो गया, ये हमारा दूसरा वाला आर्टिकल भी हो गया। तीसरा देखते हैं है कि नहीं है। चलो, मतलब इसमें और कुछ नहीं है, इतना आप लोग नोट कर लीजिए फटाफट, ठीक, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलो, अब मैं इसको हटाऊंगा और हम चलेंगे अपने तीसरे वाले आर्टिकल पर। चलो, इसको मैं हटाता हूं और अपना थर्ड आर्टिकल देखते हैं क्या है। अब देखिए स्टूडेंट, हमारा जो थर्ड वाला है भैया आर्टिकल, ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि मैं लफ्जों में बयान नहीं कर सकता। इसका टाइटल है योर एम इन लाइफ, यानी कि जीवन में आपका लक्ष्य। जैसे आप पढ़ाई कर रहे हो, आपका कुछ ना कुछ लक्ष्य होगा। आपने बायोलॉजी लिया, आपको डॉक्टर बनना है। आपने मैथ लिया, इंजीनियर बनना है। आपने आर्ट लिया है, आपको सिविल लाइन में जाना है। तो मतलब आपका कुछ ना कुछ तो लक्ष्य होगा ना, आपका टारगेट एक होना चाहिए। अभी इसमें जब पढ़ोगे ना तो आपको लगेगा कि हाँ, हमारा भी एक टारगेट होना चाहिए लाइफ में। चलो, सबसे फर्स्ट देखो, हैविंग, होना, एन एम, एक
लक्ष्य इन लाइफ जीवन में इज इम्पॉर्टेंट, महत्वपूर्ण है। जीवन में एक लक्ष्य का होना महत्वपूर्ण है, एक लक्ष्य आपका जरूर होना चाहिए आज, क्योंकि इट गिव्स, ये देता है आज हमें ये सेंस ऑफ डायरेक्शन, यानी कि दिशा की भावना एंड पर्पस और उद्देश्य की, ठीक है, यानी कि क्योंकि ये हमें दिशा और उद्देश्य की भावना प्रदान करता है या देता है। मतलब हैविंग एन एम इन लाइफ इज इंपॉर्टेंट, मतलब जीवन में एक लक्ष्य का होना बहुत जरूरी है, बहुत आवश्यक है आज, क्योंकि इट गिव्स अस ए सेंस ऑफ डायरेक्शन एंड पर्पस, क्योंकि ये हमें दिशा और उद्देश्य की भावना देता है, ठीक है, क्योंकि आपको एक दिशा मिलेगी कि हाँ हमें इसी दिशा में काम करना है, आपका जो टारगेट होगा ना उसी के दिशा में आप काम करते हुए चले जाएंगे, और आपको एक उद्देश्य मिलेगा, हमारा उद्देश्य यही है कि हमें ये बनना है, तो आपका एक टारगेट होना चाहिए मेरे भाई, तभी आप लाइफ में सक्सेस हो पाएंगे। क्योंकि कुछ बच्चों से अगर पूछा जाए तो वो कहेंगे कोई अभी टारगेट नहीं है, आगे देखा जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल मत करो, खुद का एक टारगेट सेट करो। चलो आगे बढ़ो। माय एम, मेरा उद्देश्य इन लाइफ जीवन में इज टू, है टू बीकम, बनना ए सक्सेसफुल बिजनेस लीडर, एक सफल बिजनेस लीडर एंड एंटरप्रेन्योर और इंटरप्रेन्योर, दो बार एंड हो गया तो इस एक को मैं हटा देता हूं। तो जीवन में मेरा जो उद्देश्य है वो एक सक्सेसफुल, एक सफल बिजनेस लीडर और एक एंटरप्रेन्योर बनना है। जैसे अब आप कहेंगे सर जी ये क्या है, हमने डॉक्टर इंजीनियर ये सब सुना है। देखो ये ऑनलाइन जो होते हैं ना एंटरप्रेन्योर, जैसे बड़े बड़े होते हैं, ठीक है, जो अपने लेक्चर्स को देते हैं और भी बहुत सारे लोग होते हैं, तो माई एम इज लाइफ इज टू बीकम ए सक्सेसफुल बिजनेस लीडर एंड एंटरप्रेन्योर, जीवन में मेरा लक्ष्य एक सफल बिजनेस लीडर और एक एंटरप्रेन्योर बनना है। चलो आगे बढ़ते हैं। दूसरा, यहां से स्टार्ट है आपका पैराग्राफ, आई बिलीव, मेरा मानना है डैट की एंटरप्रेन्योरशिप ऑफर्स प्रदान करता है ये यूनिक, एक अनूठा, यूनिक का मतलब होता है अनूठा, अपॉर्चुनिटी अवसर टू मेक, बनाने के लिए ये पॉजिटिव इम्पैक्ट, एक सकारात्मक प्रभाव ऑन सोसाइटी, समाज में, ठीक है, बाय क्रिएटिंग जॉब्स, यानी कि जॉब को क्रिएट करके एंड जनरेटिंग वेल्थ, और वेल्थ को जनरेट करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि आई बिलीव दैट, मेरा मानना है कि एंटरप्रेन्योरशिप, जो एंटरप्रेन्योरशिप होता है वो प्रदान करता है ये यूनिक अपॉर्चुनिटी, एक अनूठा अवसर टू मेक ये पॉजिटिव इंपैक्ट ऑन सोसाइटी, यानी कि समाज में एक सकारात्मक प्रभाव बनाने के लिए, बाय क्रिएटिंग जॉब एंड जनरेटिंग वेल्थ, जिससे जॉब क्रिएट होगा और वेल्थ भी जनरेट होगा। मतलब मेरा मानना है कि एंटरप्रेन्योरशिप जो है वो हमारे समाज में एक सकारात्मक प्रभाव बनाने के लिए एक अनूठा अवसर प्रदान करता है, हम अपने समाज में एक सकारात्मक, एक पॉजिटिव इंपैक्ट बना सकते हैं, बाय क्रिएटिंग जॉब एंड जनरेटिंग वेल्थ, जिससे जो है जॉब भी क्रिएट होगा और वेल्थ भी जनरेट होगा, धन भी कमाई होगी, धन भी मिलेगा, ठीक है। तो वही चीज कहा गया, जैसे अगर कोई एंटरप्रेन्योर है, वो कंपनी अपना बनाया है, उसके कंपनी में कुछ लोग काम करते हैं, तो उससे क्या होगा, कुछ लोगों को जॉब भी मिल जाएगा और वो कंपनी आगे चलेगी तो क्या होगा, उसको पैसे भी मिलेंगे, रुपया भी मिलता रहेगा। तो वही चीज यहां पर बताया जा रहा, ठीक है। आगे देखो, माई, मेरा गोल, लक्ष्य इज है टू स्टार्ट, शुरुआत करना माई ओन बिजनेस, खुद का बिजनेस एंड और क्रिएट और उत्पन्न करना ये कंपनी, एक ऐसी कंपनी दैट जो नॉट ओनली, ना सिर्फ मेक से प्रॉफिट, हम एक प्रॉफिट बनाए, बट आल्सो लाइक, जबकि कंट्रीब्यूट, वो योगदान दे टू द वेलबींग, यानी कि भलाई में आप सोसाइटी के, यानी कि माई एम, माई गोल इज टू स्टार्ट माई ओन बिजनेस, मेरा लक्ष्य अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करना है एंड क्रिएट ए कंपनी, और खुद की कंपनी बनानी है, दैट नॉट ओनली मेक्स ए प्रॉफिट, जो सिर्फ प्रॉफिट ही ना बनाए, जो ना सिर्फ प्रॉफिट बनाए, बट आल्सो कंट्रीब्यूट टू द वेल बींग ऑफ सोसाइटी, फिर भी बल्कि वो समाज की भलाई में भी योगदान दे, ऐसी कंपनी बनाना है। मतलब इनका कहना है कि मेरा लक्ष्य जो है वो मेरी खुद की एक कंपनी बनाना है, मेरा खुद का एक बिजनेस बनाना है, जिसमें मेरी खुद की एक कंपनी बनानी है, जो ना सिर्फ हमें प्रॉफिट दे, बल्कि उससे जो है सोसाइटी के लोगों की भी भलाई हो, वो सोसाइटी की भलाई में भी योगदान दे, ठीक है। बस ऐसी कंपनी हमें बनाना है कि हमारा कंपनी भी चलता रहे और हमारे सोसाइटी के जो लोग हैं, जो काम करने वाले उसमें लोग हैं, उनकी भी भलाई होती रहे। इसको नोट करो फटाफट।
ऐसे लिख देना काम हो जाएगा। अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हैं भैया तो डॉक्टर पे लिख सकते हैं या इसी को लिख सकते हैं, बनना कुछ भी हो आप इसको भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखो आगे, टू अचीव माई एम, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, आई एम वर्किंग, मैं काम कर रहा हूँ हार्ड, कठिन परिश्रम कर रहा हूँ, टू डेवलप, विकसित करने के लिए माई स्किल्स, अपने कौशल को इन बिजनेस मैनेजमेंट, बिजनेस मैनेजमेंट में, मार्केटिंग, मार्केटिंग में, एंड फाइनेंस, फाइनेंस में। यानी कि अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मैं बिजनेस मार्केटिंग, बिजनेस मैनेजमेंट, मार्केटिंग और फाइनेंस, ठीक है, मैं अपनी स्किल को विकसित करने के लिए कठिन परिश्रम कर रहा हूं। मतलब इनका कहना है, टू अचीव माई एम, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, आई एम वर्किंग हार्ड टू डेवलप माई स्किल इन बिजनेस मैनेजमेंट, मार्केटिंग एंड फाइनेंस। यानी कि मैं बिजनेस मैनेजमेंट, मार्केटिंग और फाइनेंस में अपने स्किल को डेवलप करने के लिए कठिन परिश्रम कर रहा हूं। आगे देखो क्या है, आई एम आल्सो मैं परस्यूंग हासिल कर रहा हूं ये डिग्री, एक डिग्री इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में, यानी कि व्यावसायिक जो प्रबंधन होता है उसमें, व्हिच जो विल गिव मी, जो मुझे देगा नॉलेज, ज्ञान एंड और टूल्स, टूल्स का मतलब होता है उपकरण, नीडेड, जिसकी आवश्यकता होती है टू सक्सीड, सफल होने के लिए इन बिजनेस वर्ल्ड, यानी कि व्यावसायिक दुनिया में, ठीक है। तो आई एम ऑल्सो परस्यूइंग ए डिग्री इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, मैं बिजनेस जो व्यावसायिक प्रबंधन है उसमें एक डिग्री भी हासिल कर रहा हूं, व्हिच विल गिव मी द नॉलेज, जो मुझे नॉलेज के साथ साथ, एंड टूल्स नीडेड टू सक्सीड इन द बिजनेस वर्ल्ड, जो बिजनेस की दुनिया में मुझे नॉलेज के साथ साथ बिजनेस की दुनिया में सक्सेस होने के लिए आवश्यक उपकरण भी देगा, ठीक है। तो वो जो है डिग्री हासिल कर रहे हैं, ठीक है, जो एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं भाई वो डिग्री हासिल कर रहे हैं, जो बिजनेस की दुनिया में नॉलेज के साथ साथ उनको बिजनेस से रिलेटेड कुछ उपकरण भी प्रदान करेगा। आगे बढ़ो, आगे है आई एम अवेयर, मेरा मानना है कि, ठीक है, आई एम अवेयर, मेरा मानना है, ठीक है, कि दैट की द रोड, मतलब रास्ता टू बिकमिंग, बनने का ये सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर, यानी कि एक सफल एंटरप्रेन्योर, इज चैलेंजिंग, वो बहुत चुनौतीपूर्ण है। यानी कि मेरा मानना है, मुझे पता है, आई एम अवेयर, मुझे पता है भी कह सकते हैं, कि एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनने का जो रास्ता है ना वो बहुत चुनौतीपूर्ण है, बहुत ज्यादा चुनौतीपूर्ण है भैया, बहुत ज्यादा चैलेंज उसमें आपको मिलेंगे। आगे देखो, एंड और रिक्वायर्स, वो मांगता है हार्ड वर्क, कठिन परिश्रम, डेडिकेशन, डेडिकेशन का मतलब होता है समर्पण, एंड परजरवेरेंस, यानी कि दृढ़ता, जो कि कठिन परिश्रम, दृढ़ संकल्प, यानी कि डिटरमाइनेशन, डेडिकेशन, डेडिकेशन का मतलब क्या होता है, समर्पण, और जो दृढ़ता की मांग करता है। इनका कहना है, ध्यान से समझो, आई एम अवेयर दैट, मुझे पता है कि, ठीक है, आई एम अवेयर दैट, मुझे पता है कि द रोड टू बिकमिंग ए सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर, यानी कि एक सफल एंटरप्रेन्योर बनने का जो रास्ता है, इज चैलेंजिंग, वो बहुत चुनौतीपूर्ण है, एंड और रिक्वायर्स, वो मांग करता है हार्ड वर्क, कठिन परिश्रम की, डेडिकेशन, डेडिकेशन का मतलब होता है समर्पण की, एंड परजरवेरेंस, और दृढ़ता की, ठीक है, जिसके लिए कठिन परिश्रम, समर्पण और दृढ़ता की आवश्यकता होती है, उसकी मांग वो करता है। अगर एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनना है ना तो उसका रास्ता भाई चुनौतीपूर्ण तो होगा ही, चैलेंजिंग तो होगा ही, और उसमें आपको कठिन परिश्रम करना होगा, वो मांगता है, वो जो काम है ना उसमें आपको कठिन परिश्रम करना होता है, ठीक है, आपको डिटरमाइनेशन के साथ रहना होता है, आपको समर्पण भी करना होता है कुछ चीजों का, एंड परवेरेंस, यानी कि और आपको दृढ़ता के साथ काम करना होता है। आगे देखो, हाउ एवर, हालांकि, आई एम कॉन्फिडेंस, मुझे विश्वास है दैट की विथ डिटरमाइनेशन, यानी कि समर्पण के साथ, डिटरमाइनेशन, डिटरमाइनेशन का मतलब होता है दृढ़ संकल्प के साथ, एंड और ये स्ट्रॉन्ग वर्क, एक कठिन काम, एथिक, यानी कि नैतिकता के साथ, आई कैन अचीव, मैं प्राप्त कर सकता हूँ माई गोल, अपने लक्ष्य को, एंड और मेक ये पॉजिटिव इम्पैक्ट, एक सकारात्मक प्रभाव डाल सकता हूँ ऑन सोसाइटी,
समाज पर, ठीक है। तो इनका कहना है कि हालांकि हाउएवर आई एम कॉन्फिडेंस, मुझे विश्वास है कि विथ डिटरमाइनेशन एंड ए स्ट्रांग वर्क एथिक, यानी कि डिटरमाइनेशन यानी कि दृढ़ संकल्प के साथ और एक मजबूत काम के साथ और नैतिकता के साथ, ठीक है, नैतिकता के साथ आई कैन अचीव माई गोल, मैं अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता हूँ एंड मेक ए पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी, और अपने समाज में एक सकारात्मक प्रभाव को भी डाल सकता हूँ। बस हो गया, ये आपका नेक्स्ट वाला था, इसको नोट करो फटाफट, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं है कि नहीं है, है थोड़ा सा आगे देखो भैया। आई कैन अचीव माई गोल एंड मेक ए पॉजिटिव इंपैक्ट ऑन सोसाइटी, ये तो मैंने लिखा ही है। चलो ये वाला हमारा हो गया है, ये उधर ही लाइन हो गया, यहां से देखो इसको नीचे कर देना नेक्स्ट वाले पैराग्राफ में। देखो इन कंक्लूजन यानी कि अंत में, हैविंग ए क्लियर एम, एक स्पष्ट इन लाइफ यानी कि जीवन में एक अस्पष्ट लक्ष्य का होना इज इंपॉर्टेंट, महत्वपूर्ण है। तो अंत में हम यही कहेंगे कि जीवन में एक स्पष्ट लक्ष्य का होना महत्वपूर्ण है, आज क्योंकि इट हेल्प्स अस, ये सहायता करता है टू फोकस, केंद्रित करने के लिए आवर इफर्ट, अपने प्रयासों को एंड वर्क टूवर्ड, और काम करने के लिए टूवर्ड की ओर, अचीविंग आवर गोल, अपने लक्ष्य को, ठीक है। तो अंत में हैविंग ए क्लियर एम इन लाइफ इज इंपॉर्टेंट, यानी कि जीवन में एक स्पष्ट उद्देश्य का होना महत्वपूर्ण है आज क्योंकि इट हेल्प्स अस टू फोकस आवर इफर्ट्स एंड वर्क्स टुवर्ड अचीविंग आवर गोल्स, क्योंकि ये हमें अपने प्रयासों की ओर यानी कि अपने प्रयासों की ओर और अपने गोल को अचीव करने की ओर ध्यान केंद्रित करने में मदद करता है, ठीक है, प्रयासों की ओर केंद्रित करने में मदद करता है। आगे देखो, माय एम आप बीकमिंग, मेरा एम आप बीकमिंग बनने का, ये सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर, एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर रिफ्लेक्ट्स, वो उसका रिफ्लेक्ट का मतलब होता है प्रकाश डालना, आप सभी को पता ही होगा रिफ्लेक्ट का मतलब क्या होता है, प्रकाश डालना। माय डिजायर मेरी इच्छाओं को टू क्रिएट, उत्पन्न करने के लिए, ये बेटर फ्यूचर, एक अच्छे फ्यूचर को फॉर माय सेल्फ, अपने लिए एंड सोसाइटी, सोसाइटी के लिए। इनका कहना है कि मेरा एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनने का जो लक्ष्य है ना, वो मेरे और मेरे सोसाइटी के फ्यूचर के लिए एक बेटर फ्यूचर को उत्पन्न करने के लिए बहुत अच्छा है, ठीक है, वो रिफ्लेक्ट करता है, यही चीज यहां पे कहा जा रहा है। समझ में आ गया मतलब क्या कहा जा रहा है, ध्यान से देखो। माई एम ऑफ बिकमिंग ये सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर, यानी कि मेरा एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनने का जो लक्ष्य है रिफ्लेक्ट, वो रिफ्लेक्ट करता है माई डिजायर मेरी इच्छाओं को टू क्रिएट, उत्पन्न करने के लिए, ये बेटर फ्यूचर, एक अच्छा फ्यूचर फॉर माई सेल्फ एंड सोसाइटी, यानी कि मेरे लिए और मेरे सोसाइटी के लिए। तो मेरे एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनने का जो लक्ष्य है वो मेरे और मेरे सोसाइटी के फ्यूचर के लिए एक अच्छा जो फ्यूचर है उसको उत्पन्न करने के लिए, मेरे जो डिजायर्स हैं उसको रिफ्लेक्ट करने में मदद करता है। भाई इसको थोड़ा सा आप लोग देख लेना, कंफ्यूजन है। तो ये थे आपके टॉप 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स, यही पे हमारा फिनिश होता है। तो ये आपके 3 जो सबसे महत्वपूर्ण आर्टिकल्स थे वो मैंने आज आपको बता दिया। देखो इन तीनों आर्टिकल्स को आपको जरूर पढ़ के जाना है क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तीनों क्या क्या थे, सबसे पहला हमारा आर्टिकल जो था ऑनलाइन क्लासेस, दूसरा हेल्थ इज वेल्थ, तीसरा योर एम इन लाइफ। तीनों को कंप्लीट कर लेना भैया, 10 नंबर आपका कंप्लीट रहेगा। क्लास काफी ज्यादा लॉन्ग हो रहा है और यहीं पर फिनिश भी हो रहा है, तो इस वीडियो को कर देना लाइक, चैनल पर चैनल को कर लेना सब्सक्राइब। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।